क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कैच मी इफ यू कैन। हेलो मेनका, अनीता का कुछ पता चला? देखो अब फोन भी बंद आ रहा है। मैं परेशान मत हो, हो सकता है बैटरी डाउन हो गई हो। ये लड़की मुझे जीने भी नहीं देगी। अच्छा ये मर क्यों नहीं जाती? एक ही बार में सब टंटा खत्म हो जाएगा। ये कुछ नहीं होगा दीदी को, आई थिंक हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। सर कुछ पता चला? सर हाँ। सर वो लड़की का नाम अनीता भार्गव है, उसकी माँ दीपिका भार्गव और उसकी छोटी बहन साक्षी का बयान हमने ले लिया। सर कल सुबह घर से निकलते वक्त कही थी कि साथ में खाना हम लोग खाएंगे शाम का, लेकिन सर वो रात को फिर आई नहीं और रात को 11 बजे के बाद उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। नमस्ते साहब। नमस्ते, प्लीज बैठिए। साहब वो मेरे बेटे ना कल रात से घर नहीं आए हैं। मिसेस भार्गव देखिए आप ऐसे घबराएंगी तो कैसे चलेगा। देखिए आप प्लीज रोइए मत, पानी पीजिए प्लीज। मेरे बेटे। मिसेस भार्गव हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपकी बेटी अनीता जल्द से जल्द मिल जाए। देखिए मैं आपसे अनीता के बारे में कुछ सिंपल से सवाल पूछूंगा, बहुत आराम से रिलैक्स होकर जवाब दीजिए, ठीक है? आपकी बेटी की उम्र कितनी है? वो 32 साल की है। आपकी बेटी अनीता कुमारी है या शादीशुदा? साहब वो 10 महीने पहले उसकी शादी हो चुकी थी, पर 6 महीने पहले ही उसका डाइवोर्स हुआ था। मिस भार्गव आपकी बेटी अनीता की शादी किससे हुई? बस करो तुम, जो चाहती थी कर दिया मैंने, अब तो मुझे चैन से जीने दो। अब कौन आ गया? सुमित पटेल। जी हाँ। आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, हमारे साहब ने बुलाया। अनीता भार्गव को जानते थे आप? अनीता भार्गव? मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानता। हे साहब, आने में बुलाकर दादागिरी दिखाते हो? तुम जानते नहीं हो मुझ पर हाथ सोच समझ कर उठाना। अच्छा क्या ये? खुशी का माहौल है, दीदी की शादी हुई है, चलो एक सेल्फी तो बनती है। इधर देख, क्या बोला था तू? हाथ सोच समझ के उठाना। बेटा बहुत सोच समझ के तुझ पे हाथ उठाया मैंने, अब तू सोच और समझ और फिर बता तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, वरना अभी दाएं कान पे पड़ा ना, दूसरी आवाज तेरे बाएं कान से आएगी, समझा? तेरा क्या रिश्ता था अनीता के साथ? वाइफ थी सर वो मेरी, पर 6 महीने पहले ही हमारा डाइवोर्स हो गया। क्यों? फ्रॉड थी सर वो, एक नंबर की।
जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? But you have to go. Yeah. Bye. Hi. कहाँ से आ रही हो? Meeting थी. मुंह से तुम्हारे शराब की बदबू आ रही है. और कपड़े देखो अपने. कौन था वो? कौन? जिसके साथ तुम चिपक चिपक कर बाय बोल रही थी. बोलती क्यों नहीं हो? चिल्लाओ मत, आवाज धीमी रखो. तुम अपने यारों के साथ रंगरलियां बनाती हो और मैं अपनी आवाज भी ऊंची ना करूं. कौन था वो? किस यार के साथ? यार नहीं, सुरेंद्र था. कौन सुरेंद्र? मेरा एक्स हस्बैंड. तुम पहले से शादीशुदा थी? मतलब तुम डाइवोर्स ही हो? हाँ हाँ, डाइवोर्स में तो क्या हुआ. पर सुरेंद्र को तो तुम तलाक दे चुकी हो ना, फिर उसके साथ क्यों घूमती हो? गुलाम नहीं हूँ तुम्हारे, समझ में आया? वैसे यू आर ऑलरेडी ड्रंक. मुझे पीने दो. छोड़ो इसे. मुझे पीने दो. छोड़ो इसे. अब तुम्हारे साथ एक पल भी रहना ना बहुत मुश्किल हो चुका है. तुम मुझे क्या छोड़ोगी? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ. गेट लॉस्ट. तुमने मुझे धक्का दिया. छोड़ो मुझे. बोलिए मिस भार्गव, सुमित ने जो बयान दिया है, मेरा मतलब है कि सुमित ने आपकी बेटी अनीता के बारे में जो कुछ भी हमें बताया है, क्या वो सच है? जी हाँ, 6 महीने पहले अनीता का तलाक हो चुका था, पर उसने पहले सुरेंद्र से शादी की थी, ये मुझे नहीं पता था. मिसेस भार्गव, ये आप क्या कह रही? आप माँ है अनीता की, और आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी अनीता ने सुमित से पहले किसी सुरेंद्र नाम के आदमी से शादी की थी, आपको पता ही नहीं? मुझे सच में नहीं पता, मैं सच बोल रही हूँ. मम्मी सही कह रही है सर. दीदी कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मॉम को सच में कुछ नहीं पता होता. जब से पापा की डेथ हुई है, दीदी एकदम अजीब सा बिहेव करने लगी है. रात रात भर घर से गायब रहना, मॉम से झगड़े करना, तो जैसे उनकी आदत सी हो चुकी है. और फिर एक दिन अरे साक्षी आओ. सुमित माँ, ये तेरा जवाई है. ये सुमित माँ के पांव छू. अनीता, तूने शादी कर ली? अरे ठीक है मम्मी, अभी अपना मूड ठीक करते हैं. खुशी का माहौल है, दीदी की शादी हुई है, चलो एक सेल्फी तो बनती है. हाँ श्योर. कम से कम आज तो हंस दो, बेटी की शादी हुई है. चलो सुमित अंदर चलते. अच्छा साक्षी, अपने कमरे से सामान निकाल दे. वो अपने रूम से सामान क्यों निकालेगी? तो अपने मर्जी से शादी करके आई है, तो अपनी मर्जी से दूसरा ठिकाना भी ढूंढ ले. माँ तुम्हारी चिकचिक कभी बंद नहीं होगी. अरे आज बेटी की शादी हुई है, कम से कम आज तो हंस देती. वैसे भी हम दोनों सुबह चले जाएंगे. चलो सुमित. शर्म कर लो माँ, बेटी के सुहाग रात है, अब क्या हमारे साथ हमारे कमरे में जाओगी? चलो सुमित. तुम फिर क्या हुआ? 6 महीना तो अनीता उसी के साथ थी. अच्छा, इन 6 महीनों के दौरान आप लोगों का अनीता से मिलना जुलना, किसी तरह की कोई बातचीत? सर, दीदी का तो कोई फोन नहीं आया, लेकिन सुमित जी जो अक्सर फोन करते थे. और क्या बोलते थे? उसी की शिकायत थी, लेकिन मैंने भी कह दिया कि अब वो जाने और अनीता जाने. इतनी रात को कौन आ गया? अनीता, क्या हुआ इसे? आंटी जी, ये मुझे नशे की हालत में होटल में मिली और बस जिद करने लगी कि माँ के पास जाना है. माँ, सुमित ने माँ, उस सुमित ने मुझे मारा और
और उसने मुझे अपने घर से निकाल लिया। बहुत बुरा है वो माँ, बहुत बुरा है। तो पुलिस के पास जाना था ना तुम लोगों को। मैंने कहा इससे, पर इसने मना कर दिया। लेकिन मैंने भी ना उसको खींच के तो लगा दिए, मतलब हिसाब बराबर। तू मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे माँ, मुझे अपने घर में रख ले माँ, मैं पक्का कोई गलती नहीं करूंगी। प्लीज प्लीज माँ मुझे माफ कर दे। नहीं अनिता, कुछ नहीं हुआ है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम सब मिलके तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। 28 साल और फिर अनिता का सुमित से डिवोर्स हो गया। सर सर ये अनिता के फोन रिकॉर्ड्स। सर जिस दिन अनिता गायब हुई उस रात 8 बजे तक मेनका के कुल 12 फोन कॉल है, जिसके जवाब में अनिता ने 3 कॉल किए। अनिता का फोन ट्रेस हुआ? जी सर, अनिता के मोबाइल पर रात 11 बजे उसकी माँ का फोन आया, उसके बाद फिर रात को 12 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, और सर लास्ट लोकेशन के हिसाब से उसका मोबाइल पंजीम में शो कर रहा है। पंजीम? जी मतलब गोवा। इसका मतलब है कि अनिता गोवा गई है, लेकिन सवाल उठता है किसके साथ, क्यों? पांडे काम करो, ये मेनका पे नजर रखो। ओके सर। ठीक है जा। ये तो जग जाहिर है कि अगर औलाद लायक हो, खुशियां बांटना जानती हो, तो माँ बाप का जीवन स्वर्ग बन जाता है, परंतु अगर औलाद नालायक निकले तो माँ बाप का जीवन नर्क बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्र, और एक बार फिर दिल को दहला देने वाली एक नई कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे देखा जाए तो दीपिका भार्गव का जीवन किसी पहाड़ से कम नहीं था। एक तरफ उसके पति की मौत हुई थी, तो वही दूसरी तरफ उसकी 2 जवान बेटियां, ऊपर से अनिता जैसी बेटी जिसने जिंदगी को कभी गंभीरता से नहीं ली, जिसकी पीड़ा पूरे परिवार वालों को सहनी पड़ रही थी, और आज वो लापता हुए। बुरी आदतें, बुरे विचार इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जहां गलत रिश्ते बनते हैं और उसके बाद कुछ भी सही नहीं होता। अब सवाल ये है कि अनिता भार्गव कहां गए। दीपिका ने शिकायत की और पुलिस ने छानबीन भी शुरू कर ली, लेकिन अनिता की खोज में हर रोज एक नई कहानी उनके सामने आएगी, इसकी उम्मीद पुलिस ने कभी नहीं की थी। हर पल अनिता की कहानी में नए किरदारों की एंट्री होने लगी। हाँ बोलो। सर ने मेनका की फोन लोकेशन ट्रेस की थी, वो अभी अभी गोवा से आई है। इसका मतलब मेनका गोवा गई थी, यानी कि अनीता और मेनका का गोवा से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। साक्षी क्या हुआ? मम्मी ये देखो। क्या? मैं दीदी के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स चेक कर रही थी और मुझे क्या मिला, ये देखो मेनका। छी, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। आजकल की लड़कियों को हुआ क्या है?
पुलिस का प्रोफेशन है। कैसा प्रोफेशन? मम्मी ये एस्कॉर्ट है। एस्कॉर्ट क्या होता है? बोलो तुम गोवा क्या करने गई थी और अनीता को कहाँ छोड़ा है? मैं सच कह रही हूँ सर, मैं नहीं जानती अनीता कहाँ है। मेनका झूठ मत बोलो तुम। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से जिस रात से अनीता गायब हुई है तुमने उसे 12 बार फोन किया है और उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी गोवा ही है। देखो मुझे मजबूर मत करना वरना मैं बहुत डेंजरस हो जाता हूँ। अनीता कहाँ है बोलो। सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम अनीता कहाँ है। एक तो क्लाइंट ने मुझे परेशान कर रखा है कि उसे अनीता ही चाहिए और वो फोन ही नहीं उठा रही थी। एक मिनट, क्लाइंट ने मतलब कौन से क्लाइंट बोलो। मैं और अनीता। एस्कॉर्ट से। एस्कॉर्ट? मम्मी एस्कॉर्ट एस्कॉर्ट प्रोस्टिट्यूट का सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। साक्षी, मेरी बेटी में चाहे लाख बुराइयां हो लेकिन वो ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकती। मम्मी ये देखो, दीदी का भी एक पेज है दिलरुबा के नाम से, ये सारी उसकी गंदी तस्वीरें हैं। इसके बारे में तो किसी से कुछ नहीं कहेगी। जब वो घर आ जाएगी हम देखेंगे क्या करना है। जा, तू जाके सो जा। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती हूँ। ठीक है, लेकिन जब तक अनीता नहीं मिल जाती तुम पुलिस के संपर्क में रहोगी और शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, समझी? चलो। हेलो, बहुत गड़बड़ हो गई है। पुलिस अनीता के बारे में पूछताछ कर रही थी। बताइए पुलिस को अनीता के गोवा के प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चल गया? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहती। ठीक है, मैं तुमसे आके मिलती हूँ, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इतना भरोसा तो कर सकती हूँ ना तुम पर, प्लीज। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं बेटा। मम्मी आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, क्या हुआ बताइए? बहन है वो मेरी। देखो बेटा, तू बच्ची है अभी, मैं सब कुछ संभाल लेगी। अब बच्ची नहीं रही मैं, प्लीज मुझे बताओ। अनीता मिल गई। कहाँ है दीदी? गोवा। आइए सर, यही है सुरेंद्र का फॉर्म हाउस। मुझे धमकाने से कुछ नहीं होगा इंस्पेक्टर सादिक। आई सेड यस, अनीता ने मुझसे शादी की थी एंड इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मतलब? मतलब अनीता एक स्कॉट है, आई मीन वो और उसकी जैसी कई लड़कियां बहुत आसानी से मिल जाती है सोशल मीडिया में और कुछ समय के लिए शादी करती है वो लोग। हाँ, खुद को तसल्ली देने के लिए वो लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे। तो कितने महीने का था ये तुम्हारा सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? वैसे तो 2 महीने का था, बट वी वर स्टिल इन टच आफ्टर दैट आल्सो। मतलब अनीता ने सुमित से शादी कर ली तो उसके बाद भी हम लोग मिलते थे, बट उस दिन मैंने जो अनीता को उसके घर पे ड्रॉप करने गया था तो मैंने देखा अनीता और सुमित के बीच मुझे लेके बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी और हाथापाई भी हो गई थी। तुम अपने यारों के साथ रंगरलिया बनाती हो और मैं अपनी आवाज भी ऊंची ना करूं। Get lost! तुमने मुझे धक्का दिया, तुम्हारे चेहरे पर छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर सादिक आप विश्वास कीजिए, उसके बाद मैं अनीता से नहीं मिला, दूर हो गया उससे और फिर मुझे पता चला कि अनीता की शादी सुमित से खत्म हो गई और उसकी साइट फिर से एक्टिव हो गई। ये देखिए दिलरुबा, उसकी साइट का नाम। आ, आ,
अनीता को मैंने फिर से अप्रोच किया सर, और वो काम पे फिर से वापस आ चुकी थी। मैंने मुजीब को अनीता से मिलवाया। हैरानी की बात ये है सर, मुजीब तैयार हो गया था उसके साथ शादी करने के लिए, अनीता ने भी हाँ कर दिया था। मेरे हिसाब से इस वक्त अनीता को गोवा में होना चाहिए। नहीं, अनीता तो गोवा नहीं आई है सर। अनीता की साइट हट गई है। साइट हट गई है मतलब? पोस्ट लॉगआउट कर रहा है। इसका मतलब उसने अपनी साइट बंद कर दी? लगता है उसकी अगली शादी हो गई है। अनीता गोवा कब आई? आई डोंट नो, वो गोवा में है क्या? सर सुरेंद्र, अनीता के मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी यही बता रही है, इसीलिए मैं गोवा में हूँ। सादिक साहब, गोवा में सिर्फ मैं नहीं रहता, और भी लाखों लोग रहते हैं, और हर रोज लाखों में टूरिस्ट आते हैं गोवा में। आई होगी किसी के साथ, मुझे क्या पता। अच्छा, 22 अक्टूबर की रात जब से अनीता गायब हुई आपने उसे पूरे 6 बार फोन किया। अनीता को क्यों? हाँ सभी सर सुरेंद्र, आपकी पहुँच बहुत ऊपर तक है राइट? अब जरा सोचिए, अगर मैंने आपके गिरेबान पे हाथ डाला तो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए आपकी कितनी बदनामी हो। अरे यार, इस टाइम कौन आ गया? तुम अंदर कहाँ घुसे जा रही हो? बेगैरत औरत, तब से तुझे कॉल कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाथ मत लगा सुरेंद्र इसे। क्यों, तेरी बीवी लगती है क्या? हाँ, हेलो, बीवी मैं तेरी बीवी हूँ, समझा? ए, मेरी ना बहुत बड़ी डील होने वाली है मुजीब भाई के साथ, उसके लिए तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, जिसके लिए तुझे मैं मुंह मांगने की मत दे चुका हूँ। मतलब अनीता आपके पास नहीं आई? नहीं, फिर उसकी सहेली मेनका को बुला लिया तो समझा बुझा के काम निपटा लिया। तो मिस्टर सुरेंद्र, मिस्टर सुरेंद्र, अनीता गोवा तो आई है, इस वक्त वो कहाँ है ये मैं पता लगा ही लूंगा। जनाब, ये जो इयररिंग आपने ढूंढी है ना, ये किसी भी लड़की का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी लड़कियाँ आती जाती हैं। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आपने एक खास बात गौर की, डायमंड का इयररिंग है ये, और जाहिर सी बात है बहुत कॉस्टली भी होगा। फिलहाल इसे तो हम अपने साथ लेके जा रहे हैं। बाय द वे, नाइस फार्म हाउस, आपसे मुलाकात होगी। इंस्पेक्टर सादिक अनीता को ढूंढते हुए मेरे फार्म हाउस तक पहुंच गए। अगर मुझ पर कोई आंच आई तो देखना। सर, पांडे जी, ये अनीता के गायब होने में बहुत से तार जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र, सुमित, मेनका। एक काम करो, मेनका को पूछताछ के लिए बुलाओ, मैं पहुंचता हूँ। सर मेनका, सर ये देखिए। किसी पे शक? सर अनीता का मोबाइल रिकवर हो गया। कहाँ मिला? एक टेम्पो ड्राइवर है सलीम शेख, उसने जैसे ही सिम एक्टिवेट किया हमने उसे ट्रैक किया। सर,
सर, मैंने कोई चोरी नहीं की सर। तो ये मोबाइल तेरे टेम्पो में कहाँ से आया? शायद इस लड़की का है सर। किस लड़की का? शायद उसका नाम सर अनीता था। अनीता? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अनीता भार्गव गायब क्या हुई? मुंबई से लेके गोवा तक हलचल मच गई। एक के बाद एक खुलासे होने लगे। पुलिस एक बात तो समझ ही गई थी कि अनीता भार्गव के गायब होने के पीछे बहुत सारे लोगों का फायदा और नुकसान जुड़ा हुआ था। ये कोई आम मिसिंग केस नहीं था। लिहाजा इंस्पेक्टर सादिक ने यह ठान ली थी कि वो हर उस शख्स की कड़ी से कड़ी छानबीन करेगा जो उसके रडार में थे। पर शायद मुजरिम उसकी सोच से कहीं तेज दौड़ रहा था। इतना तेज कि सादिक के तो होश ही उड़ गए जब उसने अपनी पहली गवाह की लाश देखी। कौन था वो जो पुलिस की हर चाल पर नजर रखा हुआ था? कौन था वो जो नहीं चाहता था कि पुलिस अनीता भार्गव तक पहुंचे? ये देखिए मिसेस भार्गव, ये आप ही हैं? बोलिए, क्यों मारा आपने मेनका को? मेरे मेनका को नहीं मारा। झूठ, मिसेस भार्गव सरासर झूठ बोल रही हैं। शायद मेनका को अनीता के बारे में पता चल गया था और आप नहीं चाहती थी कि किसी को भी अनीता के बारे में पता चले। बताइए अनीता कहाँ है और आपने मेनका को क्यों मारा? मैंने मेनका को नहीं मारा, मैंने सिर्फ सिर्फ क्या जब मुझे पता चला कि मेनका गोवा से आ गई है तब मैंने उसका पीछा किया और उसके घर का पता लगाया। बाद मेरी बेटी को बदनाम किया ना तो काट डालूंगी। तेरी तरह नहीं है। नहीं आंटी, वो मैंने जानती है बिना बाप के बच्चियों को पालना क्या होता है। साक्षी की शादी बाकी है, अगर किसी को पता चला ना तो उसकी शादी नहीं होगी, उसका घर नहीं बसेगा। चल नेर से उसके साइड मिटा दे, जल्दी कर। नहीं आंटी जी, मैं ये नहीं कर सकती, रूल्स नहीं है। अरे रूल्स की तो ऐसी की तैसी। चल लैपटॉप खोल दे। करती हूँ। डिलीट कर। मैंने सिर्फ उसे मजबूर किया कि वो अनीता का साथ छोड़ दे और उसकी साइट नेट से मिटा दे। मैंने मेनका को नहीं मारा, मैं वहां से चली गई थी। आप देखिए ना, आप खुद देख लीजिए। मिस भार्गव, ये भी तो हो सकता है कि आपने मेनका को बाहर बुला। मैंने अपनी बेटी खोई है और सबका उस पर इल्जाम है कि वो एक वेश्या है। अगर मुझे उसे मारना ही था तो मैं उसके घर पर उसका कत्ल कर देती, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह से मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए, उसके बाद आपको मुझे जो सजा देनी आप दे दीजिए। बस मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए, बता दे वो कैसी होगी, किस हाल में होगी। हाँ बोलो सर। अनीता का मोबाइल रिकवर हो गया। कहाँ मिला? एक टेम्पो ड्राइवर है सलीम शेख, उसने जैसे ही सिम एक्टिवेट किया हमने उसे ट्रैक किया। कल सुबह थाने में उसकी पेशी हो जाएगी सर।
सर, मैंने कोई चोरी नहीं की सर। तो ये मोबाइल तेरे टेम्पो में कहाँ से आया? मुझे नहीं पता सर, ये मोबाइल मेरे टेम्पो में कैसे आया सर? बेटा एक बार मैं और पूछूंगा ना, सब सच याद आ जाएगा। शायद इस लड़की का है सर। किस लड़की का? शायद उसका नाम सर अनीता था। अनीता? जी सर। ये नाम तुझे कैसे पता? हाँ मैं अनीता बोल रही हूँ। वैसे ना यहाँ कोई टैक्सी मिल रही हो ना ही कोई बस, पर डोंट वरी, मैं कुछ भी करके ना गोवा पहुंच जाऊंगी। मैडम आपको गोवा जाना है, मैं आपको अपने टेम्पो छोड़ दूं? क्यों? खूबसूरत लड़की देखी तो लिख दे रहा, फिर तू मेरे साथ कुछ गलत करके मेरा मर्डर कर देगा। मैं तुम जैसे टेम्पो ड्राइवर को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैडम सारे ड्राइवर जैसे नहीं होते, वो तो मैं आपको फोन पे बात करते हुए सुना इसलिए पूछ लिया, वैसे आपकी मर्जी। अच्छा ठहरो, वैसे मेरा गोवा पहुंचना भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं आगे नहीं पीछे बैठूंगी। ठीक है मैडम। हाँ जी मैडम, बैठ गई, चले। जना मुझे बिल्कुल नहीं पता वो लड़की कहाँ गायब हो गई, शायद उस पर उसका मोबाइल मेरे टेम्पो में छूट गया था। अबे कहानी सुना रहा है क्या? एक जीती जागती लड़की अपना मोबाइल फोन तेरे टेम्पो में रख के गायब हो गई, भूतनी थी क्या वो? मुझे यही लगा सर। पाने जी सर, इसका भूत था। सर मुझे लगता है कि ये टेम्पो वाला झूठ बोल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने कुछ अनीता के साथ गलत किया और उसके बाद फिर उसका मर्डर? आप पंडित जी, इस डाउट को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि शायद अनीता भार्गव अब इस दुनिया में ही ना हो। तो मुजरिम यकीनन इन पांचों में से कोई एक है, कोई ऐसा जिसके पास अनीता को मारने का स्ट्रॉन्ग मोटिव भी। पंडित जी सर, वो झुमका लेकर आओ जो हमें सुरेंद्र के फार्म हाउस से मिला। सर ये झुमका से आप मुजरिम का पता बताएंगे? वो तो बताएगा पांडे जी, लेकिन उससे पहले इस झुमके का पता लगा। ठीक है सर। हमारे पास कहीं एड्रेस क्या है? बोलिए पांडे जी। सर झुमके खरीदार मिल गया और उसका नाम और पता भी। गुड, तुम जल्दी पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। ये तो मेरा झुमका है, दूसरा कहाँ है? यही तो हमें आपसे जानना है कि दूसरा झुमका किधर है। देखिए सुगंधा जी, आप घबराइए मत, हमें पता है कि आपके पति सुमित के संबंध उनकी एक्स वाइफ अनीता के साथ आपकी शादी के बाद भी थे। जाहिर सी बात है कि आपको तकलीफ हुई हो, कई हफ्ते बीत चुके हैं, अनीता का कुछ पता नहीं चला। जो कुछ भी आप जानती हैं सब कुछ साफ साफ बताइए, कहाँ है दूसरा झुमका? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे झुमके वापस चाहिए। बोला ना नहीं ला दूंगा। नहीं, मुझे मेरे वही झुमके वापस चाहिए, वो झुमके मुझे मेरे माँ ने दिए थे मेरे बर्थडे पे। तुम अपने अय्याशियों के लिए अपने एक्स वाइफ को मेरे झुमके नहीं दे सकते। आज के बाद उस डायन अनीता का इस घर में फोन नहीं आना चाहिए। अगर उसका फोन आया ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी, और तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि मैं ये घर छोड़ के गई तुम सड़क पे आ जाओगे। बोलो सुमित, मैं ना गोवा जा रही हूँ, मुझे वहाँ सुरेंद्र ने बुलाया है, प्लीज डोंट माइंड, तुम भी मेरे साथ चलोगे प्लीज? ठीक है, कहाँ हो तुम?
उसके बाद मैं अपनी माँ के घर चली गई। और आपका पति सुमित? वो कहाँ जाएगा, वो उसके साथ गोवा ही गया होगा। फिर आया था दो दिन बाद, उससे माफी मांग रहा था, कह रहा था कि अनीता उसकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी। सुगंधा जी, आपके हिसाब से इस वक्त सुमित कहाँ होगा? तुम समझ रहे हो सुमित, वो झुमके उस पुलिस ऑफिसर को यहाँ मेरे फार्म हाउस में मिले। रिलैक्स, ऐसे कितने ही झुमके हैं, कितनी लड़कियां पहनती है, कुछ नहीं होगा। अगर मेरा नाम कहीं भी किसी भी चक्कर में आया ना, तो याद रखना सुमित, अनीता का तो पता नहीं चल रहा, तुम्हारा भी नहीं चलेगा। क्योंकि गोवा में लोग आते हैं मेरी मर्जी से, और अगर मेरी मर्जी ना हुई तो लौट कर भी नहीं जाते। डोंट वरी, मैं कल ही सुगंधा को नए डुप्लीकेट झुमके बनवा दूंगा। अनीता का जिक्र अब कभी नहीं होगा, समझी? मेरा आखिरी बात पूछ रहा हूँ, कहाँ है अनीता? मुझे नहीं पता साहब। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। सर, सीधा आप ये क्या कर रहे हैं, वो मर जाएगा। सर वो अभी बेहोश हो गया है। तो ठीक है, जब होश में आएगा दोबारा पूछताछ शुरू करना, ठीक है? ओके सर। अच्छा सुनो। हाँ सर। तब तक इन्हें लेके जाओ। मतलब मैं क्यों, मैंने क्या किया? सादिक साहब, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। आवाज नीचे, इससे पहले पांडे जी तेरी इज्जत उतार दे, चुपचाप इज्जत के साथ जो पूछा जा रहा है वो बोल। क्या शुरू हो जा। सुमित के साथ मेरी दोस्ती एक पार्टी में हुई थी, तब अनीता के साथ मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। उसके बाद भी उसके साथ मेरा उठना बैठना चालू था, और सुमित के साथ मेरी मुलाकात अनीता ही करवाई थी। उसके बाद सुमित को जब ये बात पता चली कि शादी के बाद भी उसका मिलना मेरे से चालू था, तो उसने अपनी दूरियां बना ली। लेकिन हम दोनों की दोस्ती में कोई भी चेंजेस नहीं आए, बल्कि हमारा बिजनेस और चलता रहा। पर उस दिन जब मुजीब भाई मेरे यहाँ आए हुए थे, तो सुमित का कॉल आया। सुमित, क्या कर रहे हो? अरे यार, मैंने तुझे बोला था ना, मुझे भाई आया हुआ है बांग्लादेश से, मैं नहीं आ सकता। तेरी तो वो अनीता तो नहीं आई, पर मेनका आ गई। अरे अनीता गोवा आ रही है। क्या, वाह, सच में अनीता आ रही है? हाँ। अच्छा अच्छा, पहले तुझे मजा लेना है, उसके बाद मुझे भाई। मैं काम करता हूँ, मुझे और मेनका को कैसीनो लेके जाता हूँ, तब तक तू निपटा ले, है ना? उसके बाद मैं मेनका और मुजीब भाई को कैसीनो लेके गया, और जब वापस आया तो मैंने देखा सुमित। मैं तब परेशान क्यों लग रही, अनीता कहाँ है? कुछ नहीं यार, वो धोखा दे गई। मतलब? अरे मिल गया हुआ कोई नया क्लाइंट, जाने दे यार, वो अपनी मेनका है ना। मुजीब भाई, ये मुजीब भाई है और ये सुमित। तो मुजीब भाई अंदर चलते हैं। अनीता कहाँ है? अनीता का जिक्र अब कभी नहीं होगा, समझी? आखिरी बार पूछ रहा हूं, कहाँ है अनीता? कौन? मुझे नहीं पता साहब।
सर बताता हूँ, सर बताता हूँ। सब उस दिन नहीं, मुझे मेरे वही झुमके वापस चाहिए, वो झुमके मुझे मेरी माँ ने दिए थे मेरे बर्थडे पे। हाँ बोलो। सुमित मैं ना गोवा जा रही हूँ, मुझे वहाँ सुरेंद्र ने बुलाया है, प्लीज डोंट माइंड, तुम भी मेरे साथ चलोगे प्लीज? ठीक है, कहाँ हो तुम? मैं ना तुम्हारे घर के पास हाईवे जाने को जो रास्ता है ना, वहाँ एक टेम्पो खड़ा है, मैं वहीं खड़ी हुई हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ ना। गोवा जाना है, मैं आपको अपने टेम्पो छोड़ दूं? लेकिन मैं आगे नहीं, पीछे बैठूंगी। ठीक है मैम। चलो जल्दी चलो। हाँ। चलो। अच्छा ये वाइन की बॉटल रखी है, ले लो। थैंक यू सो मच। तुम भी पियो? मुझे ड्राइव करना है, तुम पियो। प्लीज मुझे बचा लीजिए, अनिता की माँ पागल हो चुकी है, वो मुझे मार देगी। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, मिलो वहाँ आकर, किसी भी तरह से निकलो वहाँ से। मुझे शक था सुरेंद्र के फार्म हाउस पे तुमने अनिता के साथ कुछ किया है, सब कुछ जाके पुलिस को सच सच बता दूंगी। पुलिस को बताएगी? पुलिस को बताएगी तू? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। साहब उसने मुझे हेलो। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम अपनी बीवी के साथ मजे कर रहे होगे, और मैं यहाँ के लिए तड़प रही हूँ। मैं इस वक्त नहीं मिल सकता, मैं तुम्हें कल मिलता हूँ। नहीं कल नहीं, और अगर तुम अभी नहीं आए ना तो समझो मैं तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। मुझे तलाक लेने के बाद भी साहब रोज मुझे वो अपने घर बुलाती थी, धमकी देती थी मुझे वो, इसलिए मैंने उसे मार दिया। शाबाश, सांप पालने का शौक भी है, ये जानते हुए भी कि एक ना एक दिन वो डसेगा जरूर, और जब वो डसने आया तो उसे कुचल दिया। और मेनका को क्यों मारा? हेलो सुमित जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, अनिता की माँ पागल हो चुकी है, वो मुझे मार देगी, आप प्लीज मुझे बचा लीजिए। उसे शक हो गया है कि अपनी जुबान बंद रखो, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, मिलो वहां आकर, किसी भी तरह से निकलो वहां से। तुमने बताया तो नहीं कुछ अनीता की माँ को? क्यों, तुम क्यों डरे हुए? कहाँ है अनीता?
कही तुमने? हाँ, मुझे शक था सुरेंद्र के फार्म हाउस पे तुमने अनीता के साथ कुछ किया है। मार दिया ना तुमने उसे? बोलो, मार दिया ना तुमने उसे? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, सब कुछ जाके पुलिस को सच सच बता दूंगी। पुलिस को बताएगी? पुलिस को बताएगी तू? पुलिस को बताएगी? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पूछो। जी सर। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से अनीता भार्गव के बारे में पता चला। इसी के साथ मैं सुधा चंद्र आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट में एक नए एपिसोड के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।